नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं होली स्पेशल मालपुआ। तो चलते हैं रेसिपी बनाने की ओर। आज मेरी बहन आ रही है तो बोली कि दीदी आज हम आ रहे हैं, तो हम सोचे कि अब क्या बनावें उसके लिए। तो हम सोचे कि कुछ मीठा बनाते हैं, तो सोचे कि होली अब नज़दीक आ रहा है तो क्यों ना हम आज पुआ बनावें। तो इसके लिए हम मालपुआ बना रहे हैं। तो यहाँ पर हम 200 ग्राम मैदा लिए हैं, अरे 250 ग्राम शुगर लिए हैं, अरे 100 ग्राम हम सूजी लिए हैं, और 250 ग्राम हम दूध लिए हैं। तो सबसे पहले हमें मैदा को इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसके बाद अब हम इसमें सूजी को डाल देते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा इसमें मिल्क डालेंगे। इसको इस तरह से चला देंगे। धीरे धीरे चलाना है जिससे कि इसमें लम्स न पड़े। इस तरह से घोल बना देना है। अब हम इसको आधा घंटा के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि ये सूजी और मैदा अच्छी तरह से फूल जाएगा। जब तक ये फूल रहा है तब तक हम इधर शुगर सिरप बना लेंगे। तो शुगर सिरप बनाने के लिए हम एक पाउट चढ़ा दिए हैं और इसमें अब हम एक शुगर को डाल देंगे। और एक गिलास हम इसमें से एक गिलास पानी डाल देंगे। और अब हम चूल्हा को ऑन कर दिए हैं। हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। पांच इलायची को कूट करके इसमें डाल दे रहे हैं। अरे थोड़ा सा केसर का टुकड़ा है, इसको इसमें डाल दिए। शुगर सिरप को ही 5 मिनट तक इसी तरह से पकाना है। शुगर सिरप बनकर तैयार हो गया है। अब हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं तो अब हम पुआ को छानेंगे। घोल इस तरह से तैयार हो गया है, देखिए। अब इसमें हम 11 अंगूर का जूस निकाल लिए हैं, इसको इसमें डाल देते हैं। इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। कढ़ाई में हम तेल को डाल दिए हैं छानने के लिए। अब तेल गर्म हुआ है कि नहीं तो हम इसको इस तरह से चेक करेंगे। पहले हम चम्मच से थोड़ा सा एक बूंद डालेंगे, दो बूंद। देखिए ये अच्छा तरह से छना रहा है, तो इसका मतलब अब तेल तैयार है छानने के लिए। कढ़ाई बड़ा है तो हम इसमें और पुआ को डाल देते हैं।
अगर आपका कढ़ाई छोटा है तो आप एक बार में ज़्यादा पुआ नहीं डालिएगा, नहीं तो एक दूसरा से चिपक जाता है। अभी इस पुआ को हम इस तरह से देखिए पलट देते हैं। अब ये पुआ तैयार हो गया है तो अब हम इसको तेल में से निकाल लेंगे और इस तरह से शुगर सिरप में हम इसको डिप कर देंगे। इस तरह से शुगर सिरप में पुआ को हम डिप कर दिए हैं। फिर हम सेकंड राउंड का पुआ तेल में डाल दिए हैं। देखिए कितना अच्छा तरह से पुआ बन रहा है। सेकंड राउंड का पुआ हम छान रहे हैं। अभी मालपुआ बनकर तैयार हो गया है, बहुत ही जूसी। यकीन मानिए आप भी एक बार इस तरह से जरूर मालपुआ बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। मेरी रेसिपी देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए एक पुआ को हम इस तरह से तोड़कर